अरे भाई तूने सुना है ओबी 29 अपडेट आने वाला है अगर को, क्या तू उसके लिए रेडी है? एमबी बचा के रखना। क्या? गोली लेके आ रहे? ला भाई। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओबी 29 अपडेट के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज मेजोरिटी चेंजेज आने वाला है और कौन कौन सी मतलब और एक बात कौन सी ईवो गन आने वाला है और कौन सी लेजेंडरी गन्स भी आने वाला होगा उस विषय के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कल रात यानी कि आज रात 12 बजने के बाद आप लोग कौन सा टॉप अप इवेंट यानी कि नेक्स्ट वाला जो टॉप अप इवेंट है वो कौन सा देखने के लिए मिल सकता है, और साथ ही साथ बात करने वाले मतलब आगे आने वाले दिनों में कौन सा रूल की स्किन आ सकते हैं, कौन सी गन स्किन आ सकती है, कौन सी लेजेंडरी गन होंगी और कौन सी थीम गन होंगे और कौन से ईवो गन होंगे, वो सारे विषय के ऊपर। तो गाइस अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जहाँ से आप चैनल पे डाले हुए सारे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले निकल के आते हैं हमारे टॉप अप इवेंट। यहाँ दोस्तों मैक लैंड टॉप अप इवेंट, यहाँ पर आप लोगों को मैक लैंड थीम के हम लोगों को एक ग्लोबल की स्किन जो कि बहुत ही ओपी वाला है, साथ ही साथ सार्फबोर्ड भी देखने के लिए मिलेगा। अभी ये नेक्स्ट टॉप अप इवेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ये 28 जुलाई से 3 जुलाई या तो 6 अगस्त तो 3 अगस्त तक आप लोगों को ये टॉप अप इवेंट देखने के लिए मिल सकता है बहुत ही ओपी तरीके का। जैसे कि देख सकते इस ग्लोबल का मतलब डिजाइन बहुत ही अनोखा टाइप का है, दोनों यानी कि कहते हैं व्हीलर लगाया हुआ है और यहाँ पर देख ग्लोबल का मतलब देख वाला लगेगा। ये था हमारे सबसे पहला मतलब नेक्स्ट वाला टॉप इवेंट। टॉप अप इवेंट में ये ग्लोबल जो कि है सबसे ज्यादा अनोखा या दृष्टि आकर्षण करने वाला होगा, और यहाँ पर इसके साफबोर्ड जो है ये भी थोड़ा बहुत अच्छा पर भी नहीं कि इससे पहले इनके भी अच्छे साफबोर्ड हम लोग को देखने को मिल चुका था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो एक न्यू ग्लोबल के बारे में। ये ग्लोबल आप लोगों को आने वाले दिनों में भी इवेंट पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है ये कोई फेयरवेल इवेंट आ सकता है या तो आ सकता है इस वाले कोई भी वेब इवेंट के तौर पे। ये आपको कैसे लगे कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस वाले ग्लोबल पे जैसे मानो थीम ग्लोबल माना जा रहा है। अभी इस ग्लोबल के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट अपडेट देखने मिलेगा वो है गन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी गन के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले निकल के आ रहा है M80 गन के ऊपर। ये एक थीम गन है दोस्तों। जब भी आप सोच रहे होंगे कि हाँ थीम तो गन है पर क्या होने वाला है इसका एट्रीब्यूट ऊपर मतलब तक तो कुछ खास पता नहीं लगा है, ये बिल्कुल गन है। जैसे कि देख रहे हो ये थम्सन भी है, थम्सन के साथ साथ ये जो ग्लोबल की स्किन आप लोगों को साइड में देखने को मिल रहा होगा थम्सन और M80 7 गन और ये ग्लोबल, क्योंकि तीनों एक गन है। शायद ये एक कैरेक्टर आने वाले के जो थीम गन होगा वो थीम गन के ऊपर होगा, मतलब आने वाले जो कैरेक्टर होगा वो एक सी पैटर होगा और उस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है वो आगे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जैसे कि देख सकते हो ये बिल्कुल एक थीम स्किन है, और ये थीम स्किन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। अभी इस बारे हम बात करने वाले M1887 के एक न्यू लुक साथ, बहुत ही ओपी इंजर वाला स्क्रीन हम लोगों को देखने को मिलता है। वो भी भाई साहब ये स्क्रीन जो है बहुत ही खतरनाक स्क्रीन देखने को मिल रहा है, जिस तरह हम लोगों को इससे पहले एक ग्रीन कलर की स्क्रीन देखने मिल चुका था। अभी ये स्क्रीन का एनिमेशन देख के पता लग रहा है ये बिल्कुल लेजेंडरी स्क्रीन होने वाला है। इस वाले स्क्रीन को लेने के लिए आप लोगों को काफी सारे डायमंड जो की खर्चा करना पड़ सकता है। अभी जो नेक्स्ट वाले गन है उस जगह वाले गन को आप लोग देख के पहचान चुके मतलब पहचान चुके होंगे कि ये MP40 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये वाला MP40 देख के मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल इंक्लूडेड पे आने वाला पोकर MP40 जैसा ही है, पर ये बिल्कुल सिंगल है, यानी कि ये सिंगल कोई भी इवेंट या तो किसी भी तरीके से ये आप लोगों को सिंगल देखने को मिलेगा, ना कि वो पोकर MP40 की तरह ये आप लोगों को देखने मिलेगा। और इसका एनिमेशन थोड़ा अलग है, और ये पर ये इसका एट्रीब्यूट भी पोकर MP40 से थोड़ा चेंज देखने के लिए हम लोगों को आगे वाले दिनों में देखने मिलेगा। तो अभी बात ये है कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसका एट्रीब्यूट सब बढ़ के अभी तक किसी को पता नहीं चला है। जब भी पता चल जाएगा आप लोगों को वीडियो के जरिए जरूर पता चल जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये MP40 कैसा लगा है। और आगे हम लोग बनने वाले हैं जी हाँ दोस्तों विक्टर गन के ऊपर। विक्टर गन की लेजेंडरी स्किन हम लोगों को देखने को मिल जाए मतलब मिल जाएगा वो भी 28 अपडेट के बाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विक्टर की सबसे मतलब अब तक सबसे ज्यादा लेजेंडरी जो एट्रीब्यूट होने वाला होगा वो आप लोगों को ओबी 28 अपडेट बाद ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं इसका एनिमेशन देख ही पता चल रहा है कि किस तरीके का होने वाला होगा। इसका एट्रीब्यूट अभी भी हमने नहीं आया, पर इसका एट्रीब्यूट जब भी आ जाएगा आप लोगों को आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो गाइस अभी जो स्किन देखने वाले हो या तो ये जो गन है ये M14 गन है। जी हाँ दोस्तों, ये M14 गन है, बिल्कुल थीम गन है। यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट सिंगल होने वाला होगा, नहीं कि डबल होने वाला, क्योंकि इसका कोई एनिमेशन से ही पता चल रहा है कि या तो इसका जो लुक है इसके देख के पता लग रहा है कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा गन होने वाला होगा। तो गाइस अभी बात करने वाले ईवो गन के ऊपर। सबको पता है OB25 से लेकर अभी तक हम लोग को 3 ईवो गन मिल चुका है, और सेफ और सेफ OB20 अपडेट के बाद OB28 अपडेट के बाद हम लोग को कोई भी ईवो गन देखने में नहीं मिला। तो अभी इस वाले अपडेट के बाद आप लोग को ईवो गन देखने मिलेगा। रुको जरा,
सबर है X-Mate गन की स्किन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो आने वाले दिनों में जो इवो गन देखने मिलेगा वो है X-Mate गन की स्किन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने ये इवो गन की अभी तो स्किन अवेलेबल नहीं है, पर इसका फोटो जरूर मेरे पास अवेलेबल है। इसका फोटो आप लोगों को देखने मिल जाएगा और इसका एनिमेशन किस तरीके का देखने मिलेगा उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों को स्क्रीन पर देखने के लिए मिल ही रहा होगा। तो ये रहा मतलब हमारे जो है वो इवो गन की स्किन जो आप लोगों को आने वाले दिनों में X-Mate गन के तौर पे ये देखने मिलेगा। वो गन किस तरीके का देखना होगा वो आप लोगों को फोटो के जरिए जरूर देखने मिलेगा। थोड़ी सी अभी जो देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक लेवल इसका होने वाला होगा बाकी वो गन की तरह ही। और इनका जो इमोट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सा इमोट आप लोगों को इन देखने के लिए मिलेगा इस गन के तौर पे। और आप लोगों को बता दूं OB28 आप लोगों को टोटली 4 इमोट नया देखने के लिए मिलेगा। वो 2 इमोट शायद लाइट पास पे रहेगा और 2 इमोट शायद किसी और जरिए था, उनमें से 1 इमोट ये रहा जिसका आप लोग देख रहे हो। ये X-Mate वो गन रिमोट है जो कि आखिर में जाके आप लोगों को देखने मिलेगा। और बाकी वो गन की तरह ये इतना खास नहीं रहा क्योंकि ये इसका जो रिमोट है वो हमें भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका रिमोट जो है वो आप लोगों को कैसा लगा है। इतने सारे डायमंड स्पेंड करने के बाद आप क्या आप लोगों को ये रिमोट मतलब क्या अच्छा लगने वाला होगा। और सो जो बताने वाला था जो कि X-Mate गन है वो X-Mate गन आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। इसी तरीके का X-Mate गन आप लोगों को वो गन के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बात करने वाले हैं हम लोग न्यू कैरेक्टर विटल वाइब्स नाम का, जो कि नया कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा OB28 अपडेट के बाद। वहां पर उस कैरेक्टर की एबिलिटी ये माना जाएगा कि अगर आप अपने दोस्तों को नॉक होने के बाद रिवाइव करते हो उस कैरेक्टर के मतलब होते हुए तो आपके दोस्तों का जो रिवाइव के बाद उसका हेल्थ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बता देने वाला हूँ ये कैरेक्टर का जो स्किल होगा वो पैसिव स्किल होने वाला होगा और आने वाले दिनों में ये पैसिव स्किल शायद आप लोगों को कोई भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस दे पाए। और हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को कैरेक्टर स्किल पे थोड़ा चेंजेस देखने मिलेगा इन बैलेंस के लिए। तो सबसे पहले सानी जो कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर के जो स्किल है उनमें कितना फर्क आ रहा है वो आपके सामने ही है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि OB28 अपडेट पे किस तरीके का वो उसका एबिलिटी हुआ करता था और अभी किस तरीके का। उसके बाद आएगा लुकिता का। जी हाँ दोस्तों, लुकिता कैरेक्टर के अभी HP वाला जो है वो अभी इंक्रीज हो गया होके 25 आके खड़ा होगा। और उसके बाद एक कैरेक्टर होगा जो कि मोको कैरेक्टर, उसका लाइट वर्जन आने वाला होगा। मोको कैरेक्टर के लाइट वर्जन आने के बाद 6.5 सेकंड तक उसका जो कि है वो उसका मार्क रहने वाला होगा जो मार्क वो करता है। उसके बाद जो एक इमोट, ये इमोट आप लोगों को लेजेंडरी के तौर पे देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इमोट शायद आप लोगों को कोई भी इलाइट पास पे देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं कि इलाइट मतलब टोटली आप लोगों को कौन सी मतलब कितने सारे इमोट OB29 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, आप लोगों को टोटली OB29 अपडेट के बाद टोटली 4 इमोट देखने को मिलेगा। उनमें से 1 इमोट है अपने इवो गन के और बाकी जो इमोट है वो आप लोगों को कौन से इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा ये तो सही से पता नहीं चल रहा है। पर इनमें से जो हाथ में कुराली या तो जो कटाना टाइप के कुछ लेके खड़ा हुआ है वो है इवो गन की स्किन, जो कि मतलब इवो गन पे आने वाली इमोट जो कि मैंने पहले ही ये दिखा चुके हैं सामने वाले क्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पर और एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों आने वाले दिनों में गन मेंटेनेंस के तौर पर आप लोग को जो स्पास 12 यानी उनके अंदर आप लोगों को स्कोप देखने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक शॉर्टकट के अंदर स्कोप ये पहली बार हो रहा है फ्री फायर के अंदर। आप 4 स्कोप से लेकर थर्मल स्कोप सब स्कोप लगा पाओगे आप स्पेस 12 गन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप लोगों को ये स्कोप देखने के लिए मिल चुका है और आप लोगों को आने वाले दिनों में ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ बता देना चाहूंगा OB28 अपडेट के बाद आप लोगों को ग्रेनाइट के लिए अलग से एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, जहां पर सेफ और सेफ जिस तरीके से आप ग्लूगल की ट्रेनिंग किया करते थे उसी तरीके से आप अपने ग्रेनाइट की ट्रेनिंग भी कर पाओगे, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। जिन लोगों को ग्रेनाइट लेकर एनिमी को मारने में या तो डाउन करने में प्रॉब्लम होता होगा उसके लिए अलग से ग्राउंड देखने को मिलेगा जो कि सेफ और सेफ ट्रेनिंग के लिए होगा। तो यहाँ पर कौन से आइडिया OB28 अपडेट के बाद ऐड होने वाला होगा उसके ऊपर छोटा सा वीडियो हम लोगों को दे चुके हैं। और इसके जरिए अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उस दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को इस वीडियो का सच जरूरत है। तो आज के वीडियो को देखते हैं आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर तक लिए फ्री विथ यू एवरी टाइम। और मैं बता देना चाहूँगा ये जो चप्पल की स्किन आप लोगों को थोड़ी देर पहले देखो वो मिनी वेपन को जो आप छोटे चाकू इस्तेमाल करते हैं चाकू की स्किन है। जी हाँ दोस्तों, बनाऊंगा नई धुन फिर भी न मानेगा मारूंगा चुन 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 तेरी हड्डियों का चूरमा करूंगा बुन बुन ओ लाला लाला मेरी गाल सुन तेरा टैंड वाला बनाऊंगा नई